और दिल्ली एमसीडी हाउस में हलचल को लेकर, बवाल को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बतवाते हैं। आज का सदन में हम सबकी उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे, इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे, इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पीकर के आए हैं और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का, और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है।